अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्वागत है आपका आसमास किचन में। तो आज हमारी किचन में बनने वाली है चावल की खीर। तो यहाँ पर हमने 1 लीटर दूध लिया और इसे 10 से 15 मिनट पहले रख दिया है पकने के लिए। तो दूध अच्छी तरह पक गया है। 50 ग्राम हमने चावल लिया और इसे आधा घंटा पहले पानी में भिगा के रखा। चावल अच्छी तरह भीग गया है और दूध भी यहाँ पक गया है। तो ये चावल को हम दूध में डाल देंगे। गैस को हम थोड़ा सा मंदा कर देंगे और इसे पकने देते हैं। बीच बीच में हम इसे चलाते भी रहेंगे। चावल जब अच्छी तरह पक जाए तो इसे हम एक मैशर से मैश कर लेंगे। आप चाहे तो चम्मच से भी इसे मैश कर सकते हैं। चावल को हम बहुत ज्यादा भी मैश नहीं करेंगे, थोड़ा सा इसे साबुत भी रहने देंगे। चावल जब इस तरह मैश हो जाए तो अब डालेंगे हम इसमें चीनी। 100 ग्राम के करीब डालेंगे हम इसमें चीनी। अगर आप थोड़ा सा और मीठा पसंद करते हैं तो आप इसमें थोड़ी सी चीनी और डाल सकते हैं। थोड़ी देर हम इसे और पका लेते हैं चीनी के घुलने तक। 2 से 3 कुटी हुई इलायची डालेंगे हम इसमें। थोड़े से डालेंगे हम ड्राई फ्रूट, चिरौंजी, बादाम और पिस्ता। थोड़ी देर हम इसे और पका लेते हैं चीनी के मेल्ट होने तक। जब चीनी अच्छी तरह मेल्ट हो जाए तो हम गैस को बंद कर देंगे। तो यहाँ पर ये चावल वाली खीर बनकर तैयार है। ये देखिए, जब ये ठंडी होगी तो थोड़ी सी गाढ़ी और हो जाएगी। झटपट से तैयार होने वाली चावल की खीर बनकर तैयार है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगली एक नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होते हैं। तब तक आप ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।